बिहार में हाल के दिनों में फिर से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से जुड़ा है, जहां मंगलवार को इंडिगो विमान कंपनी के पटना एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की खुलेआम बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाईचक स्थित कुसुम विला अपार्टमेंट के पास की है और हम अभी मौजूद हैं उसी अपार्टमेंट के पास जहां कल 7:15 के करीब रुपेश पहुंचे थे अपार्टमेंट में अंदर जाने के लिए। और गेट के पास जैसे ही वो पहुंचे उसके बाद उनके ऊपर अपराधियों ने गोली की बौछार कर दी। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जो उनके गाड़ी के शीशे हैं वो बिखरे पड़े हैं और वो खुद गाड़ी ड्राइव करके यहां पर पहुंचे थे और अंदर जब तक जा पाते तब तक अपराधियों ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी और उनको जब तक अस्पताल पहुँचाया जाता उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस यहां पर जांच के लिए पहुंची थी और जांच के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे कांड का खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक CCTV में दो लोग जाते हुए मोटरसाइकिल से दिखे हैं, जिसको लेकर प्रशासन जांच कर रही है और यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधियों ने रुपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लोगों के अनुसार कोई जान नहीं पाया कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, ये कोई बता नहीं पा रहा है। और जैसे गार्ड से हमने बात किया तो गार्ड भी बोल रहे हैं कि ये भी कहीं गए हुए थे, तो सुरक्षा का तो है ही इशू है। आशंका जताई गई है कि ये बदमाश रुपेश के वहां पहुंचने से पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो सोसाइटी के गेट पर पहुंचे उन्होंने हत्या को अंजाम तक पहुंचा दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त सोसाइटी का गार्ड भी गेट पर मौजूद नहीं था और किसी ने भी इन बदमाशों को नहीं देखा। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है, बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। राजधानी पटना में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना NDA की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दें। पप्पू यादव ने CBI जांच की मांग की है और इसे साजिश बताया है। इनका सबसे संबंध था, पॉलिटिकल वे भी था, पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल लोगों से इनकी काफी अच्छे संबंध थे और मुझे लगता है कि कोई कॉन्फिडेंस तो है, कोई छोटा अपराध तो ये नहीं, किसी छुटमैया अपराधी आके गोली मार दिया ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मरवाना चाहता था और पूरी मारने की साजिश थी। वहीं BJP के सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित NDA सरकार। इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। रुपेश छपरा जिले के जलालपुर इलाके के रहने वाले हैं। बीते रविवार को रुपेश गोवा से नए साल की छुट्टी मनाकर पटना लौटे थे।